ये आपका पीर के दिन के लिए काम है। ये ऊपर इसी तरह से आपको दिन लिख लेना है, पीर का दिन। ये तारीख है 7/9/2020। ये बुनियादी मुसव्वदा है। वीडियो में मैं आपको भेज रही हूँ, पहले आप वीडियो देखिएगा। हालांकि पहले भी मैं करवा चुकी हूँ काम आपको, लेकिन एक दफ़ा फिर आप देख लीजिएगा। और ये बुनियादी मुसव्वदा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं, ठीक है। ये हरूफ को आपस में मिलाना है आपको और लफ्ज़ बनाना है। बे जमा वाव बो, पे जमा वाव पो, ये जीम है जो, दो, सो, फो, को, लाम जमा वाव लो। इसी तरह से ये अलग करने हैं हरूफ। ये तो लिखा हुआ है तो इसमें दो लफ्ज़ हैं, दो हरूफ हैं, ठीक है। ते जमा वाव तो, ये टे जमा वाव, ये खे है, आदि शक्ल है, ठीक है, खे की, और वाव के साथ मिलाया तो खो बन गया है। जब अलग करेंगे तो खे को पूरा अलग और वाव को पूरा अलग। तो इसी को सामने मद्देनज़र रखते हुए कॉपी का भी काम आपने करना है। यहाँ पे पीर लिखना है, घर का काम, और यहाँ पर तारीख लिख देनी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपने बुक के अंदर अपनी मोतिया की किताब में आपने लिखा है, ठीक है। फिर आ जाएं सफ़ा नंबर 13 पर, अल्फाज मिलाइए। देखें से जमा वाव तो आप कैसे लिखेंगे इसको, से जमा वाव सो, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। जब भी दो हरूफ को हम मिलाते हैं तो हम हमेशा लाइन के ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है। फिर हे जमा वाव तो ये भी देखें, दो लफ्ज़ लिख बने हुए हैं, हरूफ हैं, और इनको हमने इस तरह लिखा। पिशीन जमा वाव, ये भी ऊपर से लाइन के ऊपर से स्टार्ट होगा और वाव के साथ हम इसको मिला देंगे इस तरह से। फिर ये हरूफ अलग करने हैं, ये बुक में जितने भी दिए हैं वो सब आपको करने हैं। बे बो बे जमा वाव चो, एक मैं आपके सामने लिख कर आपको दिखा देती हूँ कि आपको कैसे करना। देखें ये लाइन के ऊपर से स्टार्ट किया और ये यहाँ तक आते आते छः जमा वाह, ठीक है बच्चों, ये था आपका काम।